पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान फायरिंग का आरोप भी लगा है। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग का आरोप लगा है और ये दावा खुद बीजेपी के एक और नेता अर्जुन सिंह ने किया। फायरिंग करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं। बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि भाटपाड़ा में एक बीजेपी नेता की गाड़ी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा फायरिंग की गई और इस दौरान 6 राउंड फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई। ये तस्वीरें भी इस बीच सामने आई। तो बंगाल बंद एक तरफ बुलाया गया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन भाटपाड़ा से इस बीच ये जो तस्वीरें आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। गाड़ी को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर फायरिंग हुई है और उसके बाद ये शीशा चकनाचूर हो गया है। दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की तरफ से कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेता की गाड़ी पर फायरिंग की है। भाटपाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई है और बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता है वो घायल है। तस्वीरें भी उनकी सामने आई है, देखिए किस तरीके से वो घायल है, उनका उपचार किया जा रहा है। उनकी गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग हुई है और बीजेपी नेता का दावा कि ये सब कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि अर्जुन सिंह की तरफ से जिस नेता पर टीएमसी कार्यकर्ता की तरफ से फायरिंग का आरोप लगाया गया है उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पर उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किए हैं, रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसपालिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है, उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है जो गोली चला है। तो ये पूरा पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की गाड़ी के पास से बम बरामद किया गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां फायरिंग हुई है उसी जगह से बम मिला है। इससे पहले अर्जुन सिंह बीजेपी नेता ने दावा किया था कि भाटपाड़ा में बीजेपी नेता की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस गाड़ी पर फायरिंग की गई है उसी गाड़ी के नजदीक बम भी मिला है। ये तस्वीरें भाटपाड़ा से सामने आ रही है और ये देखिए लाइव फायरिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अचानक फायरिंग कर दी जाती है गाड़ी पर, और ये सब कुछ तस्वीरों में कैद भी हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, इसमें शख्स घायल भी हुए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि इसी गाड़ी के पास बम भी मिला है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से ही रविशंकर दत्ता और कुमार कुंदन। सबसे पहले कुंदन आपका रुख करना चाहूंगी, बहुत बड़ा दावा किया गया बीजेपी नेता की तरफ से, वीडियो तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई है और बताया जा रहा है कि अब बम भी मिला है गाड़ी के पास से। देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है और जिस तरह की खबरें आ रही है उससे बीजेपी नेताओं का आरोप है कि ऐसी ऐसी वारदात हुई है और जिन लोगों ने किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि टीएमसी के वो स्थानीय नेता हैं। हालांकि अभी तक पुलिस का वर्जन इस पर नहीं आया है, हमें पुलिस के वर्जन का इंतज़ार करना चाहिए। अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रतिमा मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बंद के दौरान की तस्वीर है और इसमें मैं बाबूहाटी इलाके में हूँ जहाँ पे सामने सुकांतो मजुमदार और भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं बंगाल का वो सारे के सारे यहाँ पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे प्रोटेस्ट को गैर कानूनी करार दिया है, बावजूद इसके लोग जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं और जुटे हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैम एक मिनट, किस तरीके से आप लोगों का प्रोटेस्ट है और क्या शांतिपूर्ण है, पुलिस आप लोगों को करने दे रही है? एकदम ही शांतिपूर्ण है। 14 तारीख से जो प्रोटेस्ट चल रहा था अभी तक, वो जो कल हुआ है वो तो पुलिस ने उसके पहले दिन जो बयान दिया था उसके वजह से हुआ है, वो तो पहले से ही बोल रहे थे हम झमेला होगा इसलिए हुआ है, नहीं तो पूरा प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्ण है। अभी करने दे रही है, पुलिस रोक रही है आप लोगों? नहीं अभी तक तो रोका नहीं, देखते हैं आगे। मैम किस तरीके से प्रोटेस्ट है आप लोगों का आज का? हम लोगों का तो आज 6 बजे से शाम को 6 बजे तक है प्रोटेस्ट। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन सब ये सब दुकान पाट सब खोला रहा है,
तो हम लोग इसलिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखता है आगे आगे क्या होता है। मैम, आम आदमी को क्या कोई परेशानी हो रही है? दुकानें वगैरह बंद है, तमाम तरह की चीजें कई जगहों पे। थोड़ा बहुत तो परेशानी होगा ही, लेकिन जो एजेंडा लेके हम लोग उतरे हैं, इसके लिए ये तो बहुत ही छोटा लगता है। हम भी घर वाले हैं, हम लोगों को भी खाना पीना करना पड़ता है, लेकिन जो हमारा बेटी घर से बाहर निकलते हैं, जो डर डर हम लोगों को सताते हैं, उसके लिए ये कुछ नहीं है। हम लोग बांध को समर्थन नहीं करते हैं। ये जो ममता बनर्जी बैठा है ना, ये उसकी कोई किसी को एक चाटा भी मार देते तो ये बांध बुला देते थे। हम लोग नहीं किया, हमारा कर्मी मारे हैं, हम लोगों को खून किया है, फिर भी हम लोग बांध नहीं रखे, नहीं बुलाया कभी भी। लेकिन आज जो स्थिति खड़ा कर दिया ये लोग, हम कल जो एजिटेशन था वहाँ पे महिला लोगों को पकड़ पकड़ के ले गया, उन लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, तो जो परिस्थिति हुआ है आज, हम लोगों को वो लोग बाध्य किया, वो लोग बोला कि आप लोग बुलाओ बंद करो, तो इसीलिए हम लोग बंद किया है आज। इसीलिए थोड़ा बहुत किसी का प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि ये बहुत ही कम है। जो कुमार कुंदन वहाँ मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं जो कि इस बंद में शामिल हुआ।